हेलो दोस्तों। जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं 10th क्लास, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने अब तक कार्बन की क्या खास क्वालिटी थी जिससे उसे शेयरिंग की तरह बढ़ना पड़ा, ये सब देखा। और हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होती है, और उसके बाद एक टर्म आई कोवेलेंसी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और जब हमने लेक्चर एंड करा था तब हमने बात समझी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एलोट्रॉप्स हमने क्या समझा कि अगर कोई एटम, उसकी अरेंजमेंट अलग है, एटम सेम है, कार्बन है तो वही कार्बन अरेंज है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट अलग होगी, एटम जुड़े होंगे अलग अलग उससे, इससे क्या होगा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कैसे समझोगे इस बात को कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर केन जूस लेता हूँ, ठीक, और शुगर क्रिस्टल्स लेता हूँ, ठीक, तो समझने की बात क्या है कि शुगर केन जूस में क्या होगा, आपको पता है स्वीट आएगा, मतलब मीठा लगेगा हमें जब हम जूस पियेंगे, क्योंकि चीनी एक्चुअली शुगर केन से बन रही है। अब शुगर केन जूस क्या दे रहा है, स्वीटनेस, है ना, और शुगर क्रिस्टल्स भी क्या देते हैं, स्वीटनेस। ठीक, ये तुमने टेस्ट की बात करी। अब अगर मैं केमिस्ट्री में जाऊं, केमिकल प्रॉपर्टी समझूं, कैसे कि इन दोनों में स्वीटनेस कौन दे रखा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है जिससे ये बने हैं। लेकिन अब हम मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं स्टार्टिंग से समझाता आया हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप जानोगे उसकी स्टेट क्या होती है, ठीक, पहली बात स्टेट, देन फिर आता है तुम्हारा टेम्परेचर, देन प्रेशर, ठीक, वॉल्यूम, ये सब हायर बात होगी, लेकिन स्टेट क्या बताई थी हमने, क्या समझी थी 9th क्लास में, कि वो चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ये तीन चीज़ें थी। अब मैं शुगर केन जूस की अगर बात करूं तो ये लिक्विड होता है ना, और शुगर क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो ये दिखा रहे हैं, शो करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ये हमेशा स्वीटनेस देंगे, होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। तो वही सेम बात कि इनके मॉलिक्यूल सेम है जो स्वीटनेस दे रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ये जहाँ हमें मिल रहे हैं वो अलग है। ये शुगर केन से डायरेक्टली है, ये शुगर केन जूस को हमने जब रिफाइन करा, बहुत सारी प्रोसेस करी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करा, तब हमें ये शुगर क्रिस्टल्स मिले हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग था, ये हमारा एक तरह से आगे कुछ पार्ट हमने प्रोसेसेस करी। तो तुमने क्या समझा कि ये दोनों एक तरह से एलोट्रॉप्स हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लिक्विड है, सॉलिड है। ये एक जनरल लेमेन एग्जांपल था एलोट्रॉप को समझाने के लिए, क्योंकि एलोट्रॉप तुम्हें समझना है तो बेसिक समझनी है, बेसिक बात पकड़नी है कि एटम उसके अंदर सेम होंगे, बस उनका अरेंजमेंट अलग होगा, जिससे कि ये सॉलिड या फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होगी, कितना वो हार्ड है, कितना रिजिड है, कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस की बात, है ना, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जब ये हमने देख लिया तो हमने दो एलोट्रॉप्स पढ़े थे कार्बन के, है ना, ग्रेफाइट और डायमंड। तो स्टार्टिंग करते हैं हम ग्रेफाइट से, फिर डायमंड देखते हैं। तो हमने ग्रेफाइट देखा, तो सबसे लेमन समझने के लिए पेंसिल्स में यूज होता है, ठीक, और एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है, पेंसिल्स की लेड, ठीक है, जो वुड के अंदर लेड होती है वहां यूज होता है, ओके। अब एज अ लुब्रिकेंट्स क्यों यूज हो रहा है, तो सबसे पहले अगर किसी भी कंपाउंड्स की हमें जो वो फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हमें समझना है
कि स्टार्टिंग उसके स्ट्रक्चर से करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा होता है कुछ, कार्बन, हर एक कार्बन जो है तीन कार्बन से लिंक करता है, ठीक है। तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, अब मेरी ये बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल तुमने ये वाला कार्बन लिया, सी से कार्बन डिनोट किया। अब इस कार्बन को देखो, ये इस कार्बन से जुड़ा है एक, इस कार्बन से जुड़ा है दो, इस कार्बन से जुड़ा है तीन। याद करो जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनवाए थे तो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बताया था तुम्हें, है ना, कि अब जो हमारे ये दो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक, ये बात थी। और ऐसे तुमने समझा था कि शेयरिंग हो रही है, और जब कार्बन ने पूरी शेयरिंग कर ली, ठीक, तो ये हमने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाया, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड है। अब बात तुम्हें समझनी क्या है कि अगर यहाँ पर कोई पर्सन है या कोई कार्बन की जगह बंदा बैठा है, अब वो इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन हो वो हमेशा किससे जुड़ा होगा, तीन कार्बन से। देखो ये वाला तीन से जुड़ा है, अब मैं इसकी बात करूं ये तीन से जुड़ा होगा, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने स्ट्रक्चर यहीं तक बनाया है, तो तुम कहोगे ये कार्बन तो इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तीसरा कहाँ है। अब ये जो अरेंजमेंट होती है ये लेयर्स होती है, ठीक। तो हमने पहला पॉइंट क्या जाना, वन कार्बन इज लिंक्ड टू थ्री अदर कार्बन, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा और आगे भी जाएगा ऐसे, ठीक, ऐसे बढ़ता जाएगा, बॉन्डिंग होती रहेगी, ठीक। सेम चीज यहां पर भी बॉन्डिंग बढ़ती रहेगी। तो तुमने क्या बात समझे, एक और ऊपर वाल दो ताकि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, देखो ये कार्बन तीन से जुड़ा है, ये कार्बन तीन से जुड़ा है, ये सारे कार्बन किससे जुड़े, तीन से जुड़े हैं, ठीक। तो वन कार्बन इज लिंक टू थ्री अदर कार्बन, और इसमें क्या होता है, टू डी अरेंजमेंट। टू डी अरेंजमेंट का मतलब कि अरेंजमेंट क्या होगा, टू डी प्लेन में होगा, मतलब ऐसे मेरा प्लेन है तो इसमें प्लेन्स में रखे हैं कार्बन, कि अगर मेरा हाथ तुम प्लेन समझो तो एक कार्बन ऐसे रखा है, फिर एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, जैसे ये मेरा प्लेन है, ठीक, ये हाथ का प्लेन है, तो मैंने बोला एक कार्बन ऐसे रखा, एक कार्बन ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो मतलब जो भी हमारी लेयर बनेगी वो एक प्लेन में होगी, कोई बाहर नहीं आ रहा होगा, एक प्लेन, जैसे प्लेन पेपर होता है वैसी लेयर स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही इसके नीचे एक और लेयर बनेगी सेम इस टाइप की, तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो तुम क्या लिखोगे, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो कर रहा है, अब इसका आंसर इस स्ट्रक्चर में ही छुपा हुआ है। कैसे समझोगे कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों दिखा रहा है, क्यों मेरा ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता है, बीइंग अ नॉन मेटल, नॉन मेटल है ग्रेफाइट, कार्बन से बना है, कार्बन एक नॉन मेटल है, जबकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम समझ में आता है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है तब भी कंडक्टिविटी करता है, क्योंकि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर में देखूं तो कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, ठीक, तीन बॉन्ड बना रहा है, इसका मींस कि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। याद करो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होती थी, एटॉमिक नंबर 6, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो तुमने बॉन्डिंग कर ली, एक कार्बन आ गया, एक कार्बन आ गया, एक कार्बन आ गया, कौन सा वो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, ये तीन कार्बन जुड़ गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कहां जाएगा, वो इस कार्बन के पास ही तो होगा, ठीक है, सब कार्बन के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सही बात है, क्योंकि देखो तीन, इन्होंने तीन बॉन्ड बना लिए। यहां पे तुमने CH4 में देखा था
कि चार है तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करा तो तुम्हारा बॉन्ड बना था CH4। लेकिन यहां पर जितने भी कार्बन है तुम्हारे पास वो हर एक कितने तीन कार्बन से जुड़ा है, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चले गए, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करवाता है, ठीक। अब इसी का आंसर उसमें भी छुपा है कि हमारा जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाता, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है या उसके स्ट्रक्चर में देखें हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंज होता है, मतलब कि एक कार्बन टेट्रा माने चार होता है, तो चार अदर कार्बन से अटैच है। अब यहां पर तीन से अटैच है तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन डायमंड में तो हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, तो चार चार से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता, ठीक। अब क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, अब लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक पेजेस का एक्सपेरिमेंट करूंगा तो तुम्हें इजी समझ में आएगा जब हम डायमंड का स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही समझो, लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो वीक होगा, है ना। वीक कैसे होगा कि आसानी से वो स्लोप कर सकता है, फिसल सकता है, अभी वो देखेंगे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बात समझ में आएगी। और इसलिए ये लुब्रिकेंट्स यूज होता है। तो अब एक्सपेरिमेंट, सो लेयर स्ट्रक्चर में हम मैंने डिस्कस करा आपसे कि एक प्लेन में तुम्हारे पास ये जो कार्बन है अरेंज होंगे, हर एक कार्बन तीन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, ठीक। तो एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड है और लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है 2D लेयर स्ट्रक्चर। इसको समझने के लिए जैसे मेरे पास ये पेपर्स है कुछ, ठीक। अब पेपर से तुम्हें कैसे समझना है कि क्यों ये इंट्रैक्शन वीक है, तो देखो ये मान लो एक लेयर है ग्रेफाइट की, लेयर कैसी होगी, तुमने यहां पर रखा है, इसमें बॉन्डिंग है कार्बन के बॉन्ड बने हुए इस पेपर पे, ठीक। उसके बाद सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है। अब अगर मैं इनको साथ में रखूं, ठीक, और अब मैं मूव कराऊं, ठीक, तो जब मैं मूव कराऊंगा तो देखो एक लेयर गई, दूसरी लेयर गई और तीसरी लेयर गई। तो इस एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या समझा कि अगर मैं मूव कराता हूं एक लेयर को तो दूसरी लेयर के बीच में इंट्रैक्शन कम है, है ना। अब अगर मैं एक पेपर ले लूं ये पूरा, अब इस लेयर की बात करूं तो मैं इसको मूव करूं तो ये पेपर हमेशा पूरा साथ जाएगा, लेकिन जब लेयर अलग हो गई, एक लेयर ये अलग हो गई और एक लेयर ये अलग होगी, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है, एक इमेज ड्रॉप भी करूंगा ताकि और क्लियर हो बात, ठीक, कि ये जो लेयर स्ट्रक्चर में डॉट डॉट है ये है तुम्हारे वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन, ठीक। तो ये लेयर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं तभी लेयर से जुड़ी रहती है, लेकिन ये बहुत वीक होते हैं। वीक मतलब जैसे मैंने अभी स्लोप कराया तो वो आसानी से गिर जाते हैं, स्लाइड कर जाती है। अब जब ये स्लाइड हो रहा है तो स्लाइड हमें कहाँ चाहिए होता है, अगर मुझे यूज करना है स्लाइडिंग फीचर को तो लुब्रिकेंट्स हमारे जो होते हैं मशीनरीज में, अगर हम ऑयल यूज करें तो अगर तुमने ऑब्जर्व करा हो चीज़ों को तो बहुत क्लियर से समझोगे कि जो हम ऑयल्स यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट्स तो जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उनमें डस्ट या धूल वगैरह चिपकी हुई होती है, वो ब्लैक हो जाती है, उनकी चेन्स काली हो जाती है ना। और तुमने जो ऑयल्स यूज करे होंगे पुराने ऑयल्स या जो भी लुब्रिकेंट्स ऑयल हम यूज करें, अब तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न आ गए हैं तो डस्ट नहीं उसमें स्टिक होता, लेकिन जो हम जैसे अनबर्नड ऑयल यूज होता है या उसमें जब यूज होता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डस्ट स्मोक वगैरह उस पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, तो वो बहुत गंदा लगता है, धूल मट्टी साथ में रहती है। तो जब हायर मशीनरीज की तरफ मूव करते हैं या फिर मान लो तुम्हारे पास कोई फूड पैकेजिंग या फूड प्रोड्यूसिंग मशीनरी है, जैसे कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री होगी, अब वहां पर ऐसा डस्ट स्मोक तो अलाउ नहीं होगा, अगर वो अलाउ हुआ तो जो हमारा खाने का सब्सटेंस है उसमें मिल सकता है, तो वहां पर ऑयल ना यूज करके, ऑयल क्या करता है अट्रैक्ट करता है डस्ट पार्टिकल्स को, तो ऑयल ना यूज करके हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्यों यूज करते हैं, पहली बात लुब्रिकेंट समझने में बहुत अच्छा है, कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर है और वैन डेर वाल फोर्सेस वीक होते हैं तो आसानी से मूव करता है, दूसरी बात कि ये ऑयल की तरह डस्ट अट्रैक्ट नहीं करता, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल, अपने एक तरह से यूजफुलनेस दिखाता है कि हाँ मुझे लुब्रिकेंट्स की तरह तुम यूज कर सकते हो, और दूसरी बात पेंसिल्स में भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये तुम्हारा था सारी ग्रेफाइट की बात, है ना।
अब दोनों ग्रेफाइट और डायमंड दोनों चीजें आपस में थोड़ी बहुत लिंक्ड है। कुछ पॉइंट्स ऐसे समझो, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डायमंड तो देखा ही होगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंट है और देखा होगा उसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, इट इज़ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। अब ये भी तुमने सुना होगा कि जो शीशे वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको काटने के लिए हम डायमंड्स का यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हैवी है पहली बात, दूसरा एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड, इतना हार्ड कि इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक, तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का, तो ये आंसर गलत है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचर में प्रोड्यूस होता है, हमने उसे प्रिपेयर करा नहीं, वो पहले से नेचर में प्रेजेंट था, तो हमने देखा कि हाँ इतना ज्यादा ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन अब हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी कंडीशन ऐसे दे सकते हैं। ठीक, तो बहुत चीज़ें अब चेंज हो गई। तो एक्सट्रीमली हार्ड ये नहीं है, इससे भी हार्ड कुछ सब्सटेंसेस हैं, लेकिन खास बात कि ये एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस नेचर में प्रोड्यूस होता है। ठीक, मैनमेड नहीं था। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर समझो, एक कार्बन है, अब एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा है। ठीक, अब इस कार्बन से चार कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में और जितना तुम इंक्रीज करते जाओगे उतना ही चीजें क्लियर होती रहेंगी कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है। हर एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक कार्बन किस किन से जुड़ा हुआ है? चार कार्बन से। ठीक, अब चार ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे और चारों बॉन्डिंग में है, चारों कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक, टेट्राहेड्रली। इसका मीन्स कि अगर चारों इलेक्ट्रॉन है, चार ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वैलेंस शेल में, और चारों इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग हो रखी है, तो कंडक्टिविटी अगर करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं इस कार्बन के पास तो कंडक्टिविटी कहाँ आएगी, तो इसीलिए इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और बॉन्डिंग तुमने देख लिया कंपेरेटिवली स्ट्रांग होती है इससे, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात कार्बन पूरा बॉन्डिंग नहीं करता, तीन ही बॉन्ड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है कि हाँ चलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है। और लुब्रिकेंट में क्यों यूज हो रहा है? तो 2D लेयर स्ट्रक्चर है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द जैसे लेयर्स मैंने पेपर का बताया कि पेपर्स के बीच, पेपर के दो पेपर हैं उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे ग्रेफाइट में थी। तो डायमंड में चार से लिंकेज है, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि अब ये चार से लिंकेज है तो स्ट्रांग होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये सब हम चीजें समझ सकते हैं। लेकिन अब एक और थर्ड पार्ट था, ये तो चलो क्रिस्टल सब्सटेंस हो गए, है ना। एक और क्रिस्टल सब्सटेंस में तुम्हें याद हो मैंने लिखा था ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन्स। अब ये फ्लोरीन्स रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए थे और इनका शेप फुटबॉल था, फुटबॉल शेप था, तो मैं इसकी इमेज भी ड्रॉप करूंगा। ठीक, तो थोड़ी बातें फ्लोरीन्स के बारे में डिस्कवर करते हैं, क्या चीजें होती हैं। जो थर्ड फॉर्म है एलोट्रॉपिक फॉर्म, वो कार्बन की है फ्लोरीन। ठीक, तुमने ग्रेफाइट डायमंड समझा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरीन का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। और एमरफस की हम बात करें तो एमरफस का तुमने चारकोल पहले पढ़ा है और कोल तुम्हें समझ में आता है। ठीक, तो वो सब चीजें क्लियर हैं। अब बक्समिंस्टर अगर फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन्स पहली बात रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं, रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं, नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करते, हमने खुद मैनमेड, मतलब साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट का ये काम है। ठीक, उन्होंने क्या करा था कि एक लेजर बीम एक्शन करा था, लेजर बीम डाली थी किसके ऊपर? ग्रेफाइट के वेपर्स के ऊपर। ठीक, एक मैं इमेज ड्रॉप करूंगा, उसमें देखना कि कैसे फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। C60 है तो फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, कभी अगर तुम्हें फुटबॉल देखेगी तो समझ में आ जाएगा कि फुटबॉल में ऐसे जो है डायग्राम्स बने होते हैं पूरी पूरी फुटबॉल के अंदर।
ठीक, और ये पूरा गोल होता है, जैसे पेंटागन है या हेक्सागन भी हो सकता है, तो इस तरीके से पूरे फुटबॉल में फैले हुए होते हैं और हर एक कार्बन तीन से जुड़ा है, सेम जैसे हमारे ग्रेफाइट में होता है। तो ग्रेफाइट वेपर से ये फॉर्म्ड होता है लेजर बीम के एक्शन से। और जो पहली फुलरिंग डिस्कवर करी थी वो C60 थी। अब इसका नाम हमने बकमिंस्टर फुलरिन रखा, तो ये चीज़ ध्यान रखना ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, क्योंकि हम नाम समझ लेते हैं तो सोच लेते हैं कि ये किसी ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है। ये एक्चुअली में एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने डोम्स बनाए थे जिनका रिजेम्बलेंस, डोम्स मतलब जैसे ताजमहल के ऊपर डोम्स है, पर मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा, दूसरे देशों में जो जिन्होंने आर्किटेक्ट थे उन्होंने डोम स्ट्रक्चर बनाया था, वो जो डोम स्ट्रक्चर था वो फुलरिन का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो दोनों को रिजेम्बल कर रहा था, मतलब सेम सेम आ रहा था। ठीक, अब एक बात समझो कि अगर कोई दूसरा ताजमहल जैसा बनाना चाहे तो हम उसे मिनी ताजमहल या छोटा ताजमहल ऐसे करके कह सकते हैं, या कोई टॉय भी आता है तो हम कहते हैं छोटा ताजमहल है या मतलब हमारा है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में तो आगरा में सिचुएटेड है, तो वही सेम चीज जो डोम्स थे उनकी शेप रिजेम्बल कर रही थी फुलरिन के स्ट्रक्चर से, तो हमने उनके आर्किटेक्ट के नाम पे बकमिंस्टर फुलरिन इसका नाम रखा। सबसे पहले C60 डिस्कवर करा था, देन C70 और इस तरीके से C370 तक फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर थे बहुत ही ज़्यादा ऑप्टेन होने लगे जैसे जैसे इसमें डिस्कवरी हुई, और अब भी डिस्कवरी इसकी चल रही है और कार्बन के कंपाउंड्स देखने की। ठीक, तो ये सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स थी, अलग अलग यूज था सबका, और फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज अलग थी, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज एक समझ सकते हो तुम ग्रेफाइट की, टू प्रोड्यूस फुलरिन, क्योंकि ग्रेफाइट वेपर से हो रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें तुम्हारी थी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन की। अब हम बात समझते हैं कि जो हमारा कार्बन है, हम इस चैप्टर में कार्बन के ही बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों देख रहे हैं, या फिर कार्बन इतने बॉन्ड क्यों बनाता है, इतने सारे स्ट्रक्चर में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हम सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं, तो जिसकी भी बात करनी है एटम की, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक, तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, Kl2 4। ठीक, अब तुमने 4 देखा था, 4 से समझा ना 4 दे सकता है ना 4 ले सकता है, ये सब हम पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये कैसे करता है, शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। सबसे पहले लेमेन से समझते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा चाहेगा कि उसके आसपास भी छोटे मोटे बच्चे रहें, ताकि वो उनके साथ खेले, उनसे लड़े या उनके साथ हंसे। जब बड़े बड़े लोग उसके आसपास होंगे तो हो सकता है उसका मन कम लगे, तो हम उसके बच्चे जैसा बन जाते हैं, बच्चे की तरह उसको से बिहेव करते हैं, वो ओ बोलता है तो हम भी ओ बोलते हैं, तो उसे लगता है कि हाँ ये मेरी तरह है। लेकिन अगर छोटे बच्चे के साथ हम बड़े की तरह बिहेव करें तो उनकी लिंकेज सही नहीं होगी, हम उसे कहेंगे चल जा यहाँ जा या बोले क्या, तो वो कुछ समझेगा नहीं, तो लिंकेज नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी लैंग्वेज में बात करें तो लिंकेज बहुत अच्छी बनेगी, है ना। हम उसे कहेंगे चलो ये करो तो वो समझ जाएगा कि इधर जाना है, या जो भी उसके एक्सप्रेशन है उसमें बात करें, तो जो लिंकेज आई कि छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे से लिंकेज कर रहा है, वो लिंकेज को हम कैटिनेशन से कैसे समझेंगे, कि जैसे कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन की क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने ही दूसरे भाई कार्बन के साथ, भाई मतलब जो दूसरा एटम है कार्बन का, उससे लिंकेज बहुत अच्छी बनाता है, बहुत ही अच्छा उनके साथ साथ रहता है। ठीक, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं कैटिनेशन को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी होती है इसकी कि ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन होगी हमारे पास, और ब्रांच चेन बना सकता है, ब्रांच चेन हो गई। ठीक है, अभी समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं, और साथ के साथ ये साइक्लिक चेन भी बना सकता है, साइक्लिक चेन। अब तुम देख रहे हो कितनी गजब की बात है कि कार्बन को तुमने ऐसे सीधा जोड़ दिया, कार्बन को तुमने ब्रांच में जोड़ दिया, और कार्बन को तुमने देखो एक स्ट्रक्चर बना दिया एकदम सर्कल शेप में, देखो पूरा कवर्ड है ना, घूमता जा रहा है। अब ये सिर्फ कार्बन नहीं होंगे, साथ में हाइड्रोजन या दूसरे
हमारे पास एटम भी जुड़े होंगे, लेकिन तुम्हें बात समझनी है कि ये देखो कार्बन के साथ कार्बन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे से बॉन्डिंग कर रहा है एकदम मस्त। सेम यहाँ पे पांच बच्चे हैं, तो वो दोनों ये ऐसे आपस में जुड़े हैं और ये वाला इससे जुड़ा है, ठीक। तो इनके अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है, कार्बन एटम पे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। सेम यहाँ पर साइक्लिक चेन में देखो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि इतने सारे स्ट्रक्चर में ये बना सकता है। अब सोचो कि एक तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ये हो गया, इसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी। सेम यहाँ पे अगर ब्रांच चेन बन रहा होगा तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, और अगर यही कार्बन तुम्हारा साइक्लिक चेन में आ जाए, अब जरूरी नहीं छह की चेन हो, पांच की भी चेन हो सकती है ऐसे, ठीक। तो ये चेन मतलब शो कर रहे हैं कि कैटिनेशन जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेट ब्रांच और साइक्लिक चेन में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मीन्स कि जो कार्बन है वो अपने ही एटम के साथ जुड़ना पसंद करता है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इतने सारे एटम है पीरियडिक टेबल में, अभी तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो 118 के अराउंड मैटर्स एलिमेंट्स डिस्कस हो गए, तो क्या कार्बन ही एक ऐसा एटम है जो सेल्फ लिंकिंग दिखाता है, अपने से जुड़ने की टेंडेंसी? नहीं, एक और है हमारे पास सिलिकन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा कैटिनेशन नहीं होती जितनी कार्बन की होती है। क्वेश्चन आता है क्यों? अब सिलिकन जो है वो बड़ा साइज का है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि मैं किसी छोटे से जुड़ जाऊं और स्टेबल रहूं। लेकिन कार्बन क्या है, छोटा है, छोटे बच्चों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, आपस में गैंग बना लेते हैं, खूब खेलते हैं, तो मजे करते हैं। तो इस बात समझो कि कार्बन छोटा साइज है इसलिए इसकी कैटिनेशन बहुत अच्छी है, लिंकेज अपने एटम के साथ बहुत अच्छी बनाता है, चाहे स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो या साइक्लिक चेन हो। लेकिन सिलिकन का साइज बहुत ज्यादा है, उसमें भी कैटिनेशन है, लेकिन जो बॉन्डिंग है या जो जुड़ने की टेंडेंसी है वो कम होती है क्योंकि उसका साइज ज्यादा है, ठीक। तो ये जो बात बताई वो एक एक पॉइंट लिख लो, क्योंकि कई बार वाइवा में तुमसे पूछ लेते हैं कि कार्बन के अलावा कोई है ऐसा एटम कि जो सिलिकन है जैसे, तो बताओ उसमें क्यों नहीं होता, तुमने सिलिकन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा, ऐसे अटपटे सवाल, ठीक। तो ये तुम्हारा कैटिनेशन था। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी कि और क्या प्रॉपर्टी है इसकी कि क्यों कार्बन के इतने कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक। तो अगर हम देखें सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावेलेंट। तो अभी हमने टेट्रा वर्ड डिस्कस करा था, टेट्रा माने होता है 4, ठीक। तो टेट्रावेलेंट का मतलब क्या कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 एटम जोड़ सकता है। अब ऐसे बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं जो कि 4 जैसे बॉन्ड बना रहे हैं। सोचो 4 बॉन्ड बना रहा है तो कितने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, ठीक। अब ऐसे तुम कितने सारी चीजें चेंज कर सकते हो, इस चेंज होने की वजह से टेट्रावेलेंट है तो बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक। तो 4 एक टाइम पे 4 से जुड़ सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो या फिर क्लोरीन हो, ठीक, या फिर दूसरा फ्लोरीन समझ लो, है ना, या तीसरा ब्रोमीन समझ लो, ठीक। फॉर एग्जांपल समझा है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, यहाँ 2 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, मतलब एकदम अनलिमिटेड टाइप से बन सकते हैं। लेकिन और दूसरों की हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बॉन्डिंग बना के स्टेबल हो जाता है, तो एक तरह से टेट्रावेलेंट नहीं है, डायवेलेंट है, जैसे H2O होता है ना, H2O हो गया, और कैसे कंपाउंड हो सकते हैं, जो भी हो, ठीक। तो ऑक्सीजन डायवेलेंट है ना, और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये HCl बना रहा है, ये क्या है, मोनोवेलेंट। अब मोनोवेलेंट में ज्यादा तुम्हें चीजें चेंज करने को नहीं दिख रही है ना, कि तुम यहाँ क्लोरीन है या तो से हाइड्रोजन जोड़ दो या कोई दूसरा कैटायन जोड़ सकते हो, NaCl हो सकता है ना, तो ज्यादा चीजें चेंज होने को नहीं दिख रही। फॉर्मूला बस कितना चेंज हुआ, H की जगह Na आ गया। डायवेलेंट में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, 2 चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला देखो, CHClFBr। अब मैंने बोल दिया कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो H आ गया, यहाँ पे H आ गया, ठीक। ऐसे यहाँ पे फ्लोरीन की जगह मैंने मान लो एक और H जोड़ दिया, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी है इसके स्ट्रक्चर की,
तो टेट्रावेलेंट इसीलिए इसको खास बनाता है कि टेट्रावेलेंसी है तो ज्यादा एटम से ये लिंकेज कर सकता है। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। हाँ, तो जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि कार्बन की टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड बनाने में। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तुमने समझा टेट्रावेलेंट बॉन्ड ज्यादा बना रहा है और एक और बात मल्टीपल बॉन्ड, दोनों चीजें कंफ्यूजिंग कैसे है कि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन चार एटम से जुड़ सकता है, एच 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 एच, ठीक, सी एच फोर हो गया। ठीक, अब यहां पर तुम देख रहे हो टेट्रावेलेंट बॉन्ड्स, तो यहां कह सकते हो मल्टीपल बॉन्ड्स है, पर यहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स बताने का मतलब है कि क्योंकि कार्बन का एक तो छोटा साइज है, के और एल शैली होती है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने में। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कि तुमने एक तो देखा सी एच फोर है ना, तो सी एच फोर में तुमने देखा था कि हर एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ये तुम्हारा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, तो क्या हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रटा? नहीं, क्योंकि हमने समझा है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस शेल होगी, तो वो अपने दो इलेक्ट्रॉन एक शेयर करके कर लेगा और कार्बन के पास आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि चार तो थे उस पे और चार हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए तो आठ हो गए। ठीक, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं CO2 की बात करूं, ठीक, तो CO2 में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे है ना, और कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही, अब हर एक ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हुआ क्या कि अगर मैं लास्ट शेल में देखूं तो 2-6 होता है KL ऑक्सीजन के लिए, ठीक, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, 8 करने हैं, तो यहां पर जो बॉन्डिंग हुई थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी, ऑक्सीजन ने पूरे करे, इस वाले ऑक्सीजन ने पूरे करे और फिर सॉरी इस कार्बन ने पूरे करे, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर देखने की बात क्या थी, हमने एक चीज देखी थी कोवेलेंसी, तो कोवेलेंसी यहां पर तुम्हें समझ में आ गई होगी, दो है यहां पर भी दो है, क्यों? क्योंकि टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दो कोवेलेंसी इसकी आ गई, और सेम यहां पर कोवेलेंसी यहां पर क्या है, एक है, तो यहां पर मैंने देखो कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करा है। ठीक, तो अब तुम्हारे पास टाइम आ गया है ये समझने का कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड तुम्हें क्या समझ में आया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ठीक, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, ऐसे ही तुम्हारे पास एक ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है CH4 का है ना। और CO2 की अगर हम बात करें, अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर तुम ऐसे बनाने की सोचो कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए ऊपर वाले, ठीक, और एक और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, एक और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब तुमने ये स्ट्रक्चर देखा, तो यहां पर कार्बन के पास चार अलग अलग एटम नहीं है, जैसे यहां CH4 में चार अलग अलग हाइड्रोजन थे, यहां पर तुम्हारे पास कार्बन के दो ही ऑक्सीजन, देखो कार्बन का एक है एटम, ऑक्सीजन के दो एटम है। अब यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है, जबकि यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक था, तो इसलिए यहां पे सिंगल बॉन्ड आया। अब यहां पर दो है तो एक इसका बॉन्ड, एक इसका बॉन्ड,
एक इसका बॉन्ड तो डबल डबल बॉन्ड है, तो दो और दो चार बॉन्ड मिलके चार बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो CO2 का स्ट्रक्चर था, आप देखो खास बात कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना रहा है। मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बना रहा है कि कार्बन अटैच हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड ना होके दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, और कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन ये है और इसको दे दिए ये ऑक्सीजन को, है ना। तो तुमने बात समझने की ये थी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में ये बॉन्ड्स की तरह काम कर रहे हैं, और इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो जो हमारी कोवेलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंसी 2 डबल बॉन्ड, कोवेलेंसी 1 सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंसी 3 तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब एक और एग्जांपल तुमने क्या समझा था, N2 का, ठीक है। तो N2 में तुमने देखा था कि एक नाइट्रोजन एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2.5 है, और दूसरा नाइट्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2.5 है। अब दोनों को तीन तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब वो शेयरिंग करते हैं कैसे, इस तरीके से, ये आगे तीन इलेक्ट्रॉन, ये इसके तीन इलेक्ट्रॉन, अब इसमें हमने शेयरिंग दिखा दी, ठीक। अब देखो यहां है 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 है ना, तो 3 पेयर हो गए। इसका मींस कि यहां पर कोवेलेंसी क्या है, 3। अब कोवेलेंसी यहां पर 3 है, इसका मींस कि कोवेलेंसी 3 है तो बॉन्डिंग बॉन्ड भी 3 बनेंगे, कैसे। अब मैंने तुम्हें जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे बताए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला हो गया, सेम नीचे वाले का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से समझोगे तो तुम्हें कंसेप्ट बॉन्ड का समझ में आएगा कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है। सिंगल बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में देखो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यही टेंडेंसी थी कार्बन की। अभी कार्बन का मैंने 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाना नहीं बताया, अभी बता देता हूँ कि कार्बन के 3 ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन का था तो मैंने बता दिया कि इसमें 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग ऐसे होती है ना। तो ये चीजें नोट कर लो, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें इजी में समझना होगा कि कैसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक। तो इसके अंदर देखो, बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, अब CH4 के केस में कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रखा था। ध्यान से सुनो बात जो मैं बोल रहा हूं, CH4 के केस में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन या जो भी एक हाइड्रोजन है उसके साथ शेयरिंग हो रही है। एक हाइड्रोजन आया उससे शेयरिंग करी, दूसरा आया उससे शेयरिंग करी, तीसरा आया तीसरे से शेयर करी, चौथा आया चौथे से शेयर करी, 4 इलेक्ट्रॉन थे चारों से शेयरिंग हो गई, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ने देखो 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, और गजब की बात एक ही ऑक्सीजन के साथ शेयर करें, एक ही ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, और एक ही ऑक्सीजन को 2 चाहिए। अब वहां पे क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ना होके यहां होके दूसरे हाइड्रोजन के साथ हो रहा था, है ना। तो खास बात ये थी कि ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। एग्जांपल ऐसा हम एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, जितनी भी उसकी बन सकती हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इस टॉपिक के जस्ट बाद तुम समझोगे हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो इनमें से एक कंपाउंड में पहले लेता हूं जिसका नाम है इथाइन, ठीक, जैसे मीथेन था वैसे इथाइन समझो अभी, कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो ऐसी होती है। अब बॉन्डिंग ऐसी कैसे हो रही है ये समझो कि तुम्हारे पास कार्बन के 2 आइटम्स हैं, ठीक है। अब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस कमरे में जिस रूम में हमने रखे एटम्स वहां पर या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है, और एक कार्बन कह रहा है मैं तो 3 बॉन्ड बनाऊंगा तेरे साथ तभी रहूंगा, है ना। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो कैसे रहेगा, अब कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गए,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऐसे इसका आदमी के पास तीन इलेक्ट्रॉन ये आ गए और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, है ना। तो एक हाइड्रोजन ने कहा चलो मेरे साथ तो बना लो बॉन्ड तुम, और दूसरा हाइड्रोजन आया इसने बना लिया बॉन्ड, अब बचे तीन इलेक्ट्रॉन, ये बैठ के बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देख तेरे को भी तीन चाहिए, मेरे को भी तीन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो देखो दो हो गए दो हो गए, अब तीन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तब भी तो शेयरिंग होगी। तो इन्होंने करा चल भाई शेयरिंग करते हैं, इन्होंने करी शेयरिंग ऐसे। अब देख तीन तीन छः दो आठ, तीन तीन छः दो आठ, तो ये जो मेरी शेयरिंग हुई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तीन तीन तीन, तो आज के बाद जो तुम बॉन्ड देखोगे इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो तुम जब बॉन्ड कोई देखोगे तो उसको ऐसे समझना कि अगर तुमने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस वाले का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इस वाले का, जैसे लाइन सेगमेंट याद करते हो ना कि लाइन सेगमेंट में जो एंड्स होते हैं वहां पर एक एक पॉइंट होता है, वही सेम चीज यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और वो जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा शेयरिंग में होगा, ठीक। तो अब कार्बन यहाँ पर देखो मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है, खुद के साथ भी बना रहा है, साथ में ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ भी बना रहा है। तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स है नेक्स्ट टॉपिक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहले थ्योरी क्या थी और अब क्या थ्योरी है। तो अब हम कैसे इतनी सारी मेडिसिन प्रिपेयर कर लेते हैं, जो भी नई दवाइयाँ आती है या जो भी नए वायरसेस आते हैं उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो कार्बन की केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अब तक लग गया होगा, कुछ चीज़ें तो तुमने फिजिक्स से रिलेटेड देखी, लुब्रिकेंट्स, लेकिन अब जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ मेडिकेशंस या जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इस चैप्टर का मेन स्रोत है। ये तो तुम्हें बेसिक्स थे जो तुम्हें आने चाहिए थे, नाइन्थ क्लास में भी पता होना चाहिए था तुम्हें, लेकिन जैसे भी नहीं पता अब तुम्हें तो बिल्कुल आ जाने चाहिए क्योंकि टेंथ में आ गए हो, फिर जब आगे बढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बिना आए तुम आगे नहीं बढ़ सकते या आगे नहीं चल पाओगे, ठीक। तो ये सारी वीडियो सब तक लगातार एक दो बार देख लेना और अपने नोट्स अच्छे से खुद प्रिपेयर करो। किसी भी बुक को तुम फॉलो करते हो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास खुद के नोट्स होने चाहिए क्योंकि जब एग्जाम टाइम आएगा तो तुम कोई बुक नहीं शेयर करोगे, आप बुक खोल के नहीं देखोगे ये देखूं चैप्टर वो देखूं, तब सिर्फ अपने नोट्स देखो तुमने पूरी साल में बनाया है, बस उसको रिवाइज करो, क्योंकि खुद के नोट्स बहुत अच्छे समझ में आते हैं और रिवाइज होते हैं, ठीक। तो ये लेक्चर इतना ही था, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों को अपने भी, ठीक। थैंक यू।